हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल वेचर्स लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं और फिजिक्स के पेपर के बारे में। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने तैयार किया है और उन क्वेश्चंस को हम आज प्रोवाइड करेंगे। तो आपको करना यही है कि वन बाई वन उन क्वेश्चंस को लिख लेना है और उन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो लगभग आप पूरा सिलेबस को कवर कर पाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि सब लोग जान रहे हैं कि जो भी एक पिक्चर आ गया है, अब तक एक आइडिया लग चुका है कि किस तरह से एग्ज़ाम होगा। हमने पहले डिस्कस किया था एमसीक्यू लेवल का कुछ ऐसा आ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब लग रहा है कि लिखित पेपर ही होगा जहाँ तक विद्यापीठ या पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का सवाल है। तो जो पैटर्न है उसमें होगा यही कि ज़्यादातर आपको लघु उत्तरी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, सौ टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। इक्का दुक्का होगा जो आपका बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा, नहीं तो ज़्यादातर छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, क्योंकि डेढ़ घंटे में बहुत बड़े क्वेश्चंस का चांस नहीं बनता है। दो चार क्वेश्चन भले पूछ लिए जाए तीनों पेपर से मिला के, तो उनका बहुत ही कम मार्क्स इंक्लूड होने वाला है। तो कुछ चंद टॉपिक हैं जिसको आप करके वहाँ से कर सकते हो। मेन जो फोकस अब करना है, जो अति लघु उत्तरी वेरी शॉर्ट और जो लघु उत्तरी टाइप के होते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो हम सिलेबस के हिसाब से वो सारी चीज़ें क्वेश्चन वाइज देते जाएंगे। ज़्यादातर चीज़ें आप कर ही लिए हो तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। मेन प्रॉब्लम जो आ रहा है वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं, किस तरीके से हमें करना है, वो हमें जानना है। बाकी तो आप थ्योरेटिकल के तरीके से पूरा पढ़े ही हो, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट आंसर सारी चीज़ें आप अपने तरीके से पढ़े हो। हमें सिर्फ यहाँ आज ये फोकस करना है कि किस तरह के क्वेश्चन को हम ज़्यादा पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का सब जानते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे हर पेपर से, जैसा कि तीन पेपर है थर्ड ईयर में आपका, रिलेटिविटी स्टैटिस्टिकल और उसके साथ सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, और थर्ड पेपर है आपका सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्टैटिस्टिकल से ही या रिलेटिविटी से। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरे साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस हम बोलते हैं उसको लिखते जाना है और ध्यान देना है कि उसको आंसर कैसे करना है। थोड़ा बहुत हम उसका आइडिया उसी समय देते चलेंगे, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आएगा उसके जो भी क्वेश्चंस होगा उसमें, पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, तो आप उसको कमेंट करके बताइएगा, हम उसे डिस्कस कर लेंगे बाद में। लेकिन फ़िलहाल सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना इतना आसान नहीं है, बहुत समय लगेगा उसमें। तो ज़्यादातर आप कर लोगे, ऐसे क्वेश्चंस होंगे उसमें, हाँ कुछ क्वेश्चंस अगर प्रॉब्लम करेगा तो उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। तो फिलहाल कॉपी प्लेन लेके आप स्टार्ट हो जाइए, तो हम लोग शुरू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको लिखेंगे तभी कोई फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आप स्किप करते जाएंगे तो भूल जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं उस क्वेश्चंस को ही आपको तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिलेटिविटी आपकी शुरुआत होती है जैसा कि सिलेबस में है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन कीजिए, डिफाइन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड गिव्स इट्स टाइप, मतलब डिफाइन करो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और इसके टाइप्स को बता दो। जैसे व्हाट आर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन, सिर्फ उनको डिफाइन करना। तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, ये छोटे ही हैं। इसके बाद आप कर सकते हो, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जैसे आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा, जैसे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा है तो डेरिवेशन तो बहुत ज़्यादा समय का है, उसके सीधे इक्वेशन पूछे जा सकते हैं। राइट डाउन द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट डाउन द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिर्फ आपको केवल चारों ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशन लिखने होंगे, फिर उनके बारे में बता सकते हैं कि उनमें कौन सा टर्म क्या डिफाइन कर रहा है। जैसे आपका चारों लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्स डैश बता दोगे, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश, और उसके साथ जो भी इधर टर्म्स यूज होंगे उनके बारे में हमें बताना होगा कौन सा टर्म क्या है, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल वी क्या है। तो ये सब नोटिफाई कर सकते हो और डायरेक्ट उसका रिजल्ट ये लिखने को आ सकता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा छोटा है तो वो डिराइव करने को भी आ सकता है, बहुत बड़ा नहीं है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस तरह का भी हो सकता है। और इसमें जैसे शॉर्ट नोट्स आते थे पहले, वो अब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइम डायलेशन। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ टाइम डायलेशन या एक्सप्लेन द टाइम डायलेशन। इसके साथ साथ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, सो एक्सप्लेन द टर्म लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट नोट्स
ऑन दिस टॉपिक्स, ये इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट आप लिख सकते हो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें समझ में आया, सो दैट द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज ज़ीरो। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सो दैट द रेस्ट मास, सो दैट द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। तो रेस्ट मास फोटोन का ज़ीरो होता है, इसको बड़े आराम से निकाल सकते हो। जो रिलेटिविटी वाला मास का फार्मूला है यहाँ से भी निकाल सकते हो, मास इक्वल मूविंग मास इक्वल रेस्ट मास अपॉन, यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो सो दैट द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज ज़ीरो, इसको शो करना। नेक्स्ट हो सकता है जो पॉस्टुलेट्स थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, तो क्वेश्चन इस तरह बन सकता है राइट द पॉस्टुलेट्स ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट द पॉस्टुलेट्स ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको दो ही पॉस्टुलेट्स बताने हैं, तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं शो दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इनवेरिएंट विथ रिस्पेक्ट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये शो करना है कि जो लीनियर मोमेंटम है, जैसे उसमें पढ़ा होगा आपने गैलीलियन के कंजर्वेशन लॉ में, गैलीलियन का कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है उसमें तीन तरह के था, एक तो लॉ ऑफ फोर्स था, लॉ ऑफ फोर्स, उसके बाद दूसरा लॉ ऑफ मोमेंटम था। तो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, लॉ ऑफ फोर्स तो आपका बहुत इजी हो जाएगा, लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ या लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा शो दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन आप लिखते रहिए कि उसमें इंपॉर्टेंट जो भी है आप उस तरह से कर पाएंगे। क्वेश्चन सिर्फ इतना सही, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इनवेरिएंट। नेक्स्ट हो सकता है कि एनर्जी इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी इज आल्सो इनवेरिएंट। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे जो रिलेटिविटी के अंतर्गत आएगा। और कुछ क्वेश्चंस अगर करना चाहें तो क्वेश्चंस भी उसी तरीके से कर सकते हैं जो छोटे छोटे हैं, जैसे मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन पे क्वेश्चन हो सकता है, या मास वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। तो इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन जो थ्योरी के दौरान भी आपने किया होगा इन पे फोकस करने की ज़रूरत है। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर वो न्यूमेरिकली गए तो, अदरवाइज़ इतना बड़ा सिलेबस है और उस तीनों को मिलाना, या अगर ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि एक पेपर हो और फिर थर्ड पेपर हो, तो उसके हिसाब से भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा नहीं। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अब वो रिटन ही ज़्यादा लेंगे, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं देंगे, वो थ्योरी ही पार्ट ज़्यादा होगी। फिर भी आप रेडी रहिए हर चीज़ के लिए, पता नहीं कुछ आ ही गया, जैसे छोटे क्वेश्चन तो बहुत आसानी से इधर से बन जाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, तो हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। तो इतना पोर्शन आप रिलेटिविटी से अगर कर पाएंगे तो बहुत है। रेस्ट मास, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, गैलीलियन से जितने लॉ का कंजर्वेशन लॉज है वो, उसके बाद आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन, बहुत बड़ा नहीं था, इसको डिराइव कर सकते हैं, तो इसको हम छोटे में कर सकते हैं। तो ये किया जा सकता है पार्टिकल विथ ज़ीरो रेस्ट मास, एक और क्वेश्चन हो सकता है पार्टिकल विथ ज़ीरो रेस्ट मास को डिस्कस करिए। तो ये है रिलेटिविटी से। इसके बाद हम चलते हैं स्टैटिस्टिकल की तरफ। स्टैटिस्टिकल में आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी। तो सामान्य सी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, कुछ स्टैंडर्ड पे अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन लिख सकते हो व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थ्योरी में बड़े आराम से इसको पढ़ा हुआ है कि जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होते हैं इन दैट मैक्रो स्टेट, वही होता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। उसके डिराइव कर उसको लिख लेंगे, उसका फार्मूला वगैरह, तो बहुत बड़ा वो नहीं है। तो पहला क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल के लिए व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आप मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट एंड डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ही बेसिक स्टार्ट होगा मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट, ये तो एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है। इसके बाद इन सिंबल,
इंसेंबल एक टॉपिक था जिसमें आप तीन चीज़ें पढ़े थे, तीन टाइप के इंसेंबल होते हैं, मैक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। बहुत ज़्यादा विस्तार से तो उसमें पूछेगा नहीं, लेकिन उनसे क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, इंसेंबल को डिफाइन कर लो, इतना क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसिपल ऑफ ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी, PRIORI, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पूरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इसी पर चलती है, बिना इसके कुछ संभव ही नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर सकते हो, डिस्कस द कॉन्स्टेंट्स होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स विथ एग्जाम्पल। सो क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द कॉन्स्टेंट्स होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक, होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक कॉन्स्टेंट। आपने पढ़ा होगा, कॉन्स्टेंट नहीं है ये, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मीन्स रिस्ट्रिक्शन एक तरह का, तो उसको डिफाइन कर सकते हैं। और ये कुछ सिस्टम्स थे, होलोनॉमिक और नॉन होलोनॉमिक, तो इनको केवल डिस्कस करना है एग्जांपल्स देते हुए। कुछ एग्जांपल्स देंगे, सिस्टम पार्टिकल्स इस तरीके से, कितने पार्टिकल्स हैं और कितने कंपार्टमेंट हैं, उसके हिसाब से एग्जांपल देके कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑन कॉन्स्टेंट एसेसिबल एंड इनएसेसिबल। तो एसेसिबल एंड इनएसेसिबल को एक्सप्लेन करिए ब्रीफली। तो ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म्स एसेसिबल स्टेट एंड इनएसेसिबल स्टेट विथ एग्जांपल। तो इसको भी एग्जांपल के साथ कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रूव दैट द मिनिमम साइज ऑफ अ फेज सेल आपने पढ़ा होगा, फेज सेल इज एच क्यू। जो मिनिमम साइज होती है फेज सेल की वो एच क्यू है, इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा नहीं था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट आप डिफरेंस कर सकते हो म्यू स्पेस एंड गामा स्पेस में। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यू स्पेस एंड गामा स्पेस। एक तो दोनों का डिफिनेशन भी आना चाहिए, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बन सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यू स्पेस एंड गामा स्पेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ, सिर्फ लॉ लिखना है आपको, उसको डिराइव नहीं करना है, और जितने टर्म उस फॉर्मूले में आते हैं वो डिस्कस कर लेना होगा। तो व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हो सकता है, डिफाइन द पार्टीशन फंक्शन, जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टर्म्स है कंसर्न स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो पार्टीशन फंक्शन, देन अगर आगे बढ़ें थोड़ा सा, तो बोस आइंस्टीन एंड फर्मी डिराक में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, तीनों ही स्टडीज ले लीजिए, बोस आइंस्टीन या फर्मी डिराक या मैक्सवेल बोल्ट्जमान, तीनों में डिफरेंस क्या है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री स्टैटिस्टिक्स, ये है। तो डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिस्टिक्स, जो भी स्टडीज आप पढ़े हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो अपने से तैयार रहिए, क्वेश्चंस तो वहाँ डेढ़ घंटे में बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, अगर वो तीनों को मिक्स करेंगे, बहुत करेंगे, तो चार पांच क्वेश्चन यहाँ से, चार पांच वहाँ, चार पांच वहाँ, 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं दे सकते वो, 15-20 क्वेश्चन अगर छोटा बड़ा सब मिला के भी करेंगे तब जाके होगा। तो मोस्टली 8 या 7 क्वेश्चन एक एक जगह से आ सकता है, एक एक पेपर से, जैसा भी अगर वो तीनों मिलाते हैं तो, और अलग अलग होगा तो। खैर जो भी है, आपको कुछ क्वेश्चंस पे कमांड रखना है अच्छे से, जो कॉमन है जो आ सकते हो। नेक्स्ट आपका बन सकता है डिराइव द, या ये लॉन्ग हो जाएगा, नहीं तो शॉर्ट में कर सकते हैं, डिराइव द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी।
एक शॉर्ट फॉर्म भी बताया गया होगा एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में, तो उसको कर सकते हैं। के लॉग डब्ल्यू था, एस इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू, तो उसको भी कर सकते हैं। ये फार्मूला याद होगा, एस इक्वल टू के लॉग बेस ई और डब्ल्यू, तो ये एंट्रोपी है और इधर थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। सो रिलेशन बिटवीन द प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी, प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो फ़ायदा ये है कि आप लिखते चलो, नहीं तो बाद में सब भूल जाओगे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला फॉर वी आर एम एस, वी बार एंड वी मोस्ट प्रोबेबल, यानी आर एम एस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तीनों के लिए फार्मूला लिखा जा सकता है। फिर कह देगा कि कंपेयर देम, उनको कंपेयर करिए कौन किससे बड़ा है, उनको कंपेयर करने को आ सकता है। ये बहुत छोटे में आ सकता है अगर वो एक नंबर या दो नंबर इस तरह का क्वेश्चन बनाए, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आपका आ सकता है बेसिक पॉस्टुलेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, आपको ये याद ही रखना है, राइट डाउन द बेसिक पॉस्टुलेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सभी स्टैटिस्टिक्स, चाहे वो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे मैक्सवेल बोल्ट्जमान हो या फर्मी डिराक हो। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और उनका पॉस्टुलेट्स, जिनसे आप स्टार्ट करते हो, उसके बाद सारी चीज़ें आगे आती हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बेसिक पॉस्टुलेट्स, तो उसी पर तो वो सारा लॉ चलता है, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन उसी पर चलती है। तो बेसिक लॉ जो है, उसके जो बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, राइट द बेसिक पॉस्टुलेट्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, या बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन, या मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, या फर्मी डिराक, सभी के लिए कर सकते हो। तो तीनों का कंपैरिजन हमने बता ही दिया, तीनों स्टैटिस्टिक्स का कंपेयर भी आ सकता है। नेक्स्ट शो दैट, एक रिलेशन शो किया होगा, ई नॉट इक्वल टू 3/5 EF, ये फर्मी एनर्जी है और ये एनर्जी है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो आ सकता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो, या एवरेज एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज इक्वल टू द 3/5 ऑफ फर्मी एनर्जी EF। ये डेरिवेशन भी आपने किया है, सॉलिड में भी किया है और स्टैटिस्टिकल में भी किया है, ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सो दैट दिस फॉर इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट दिस रिलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन थ्री डायमेंशन, मूविंग इन थ्री डायमेंशंस, वेयर ई नॉट इज मीन एनर्जी एंड दिस इज एवरेज एनर्जी या मीन एनर्जी, और ये क्या है फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी आपके थ्योरी पार्ट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी, राइट द शॉर्ट नोट ऑन फर्मी एनर्जी एंड फर्मी लेवल, तो इसको भी लिख सकते हैं। मैक्सवेल्स के एप्लीकेशंस पढ़े थे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान का बहुत सारा एप्लीकेशन है, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो ये जो लॉ थे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये काफ़ी उतने बड़े नहीं थे जितना उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, जो 5 या 10 मिनट में हो जाएगा। तो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, आप उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मत पढ़िए मैक्सवेल का, उनका NI जानते रहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आता है लास्ट में, वो NI वाला कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, NI इक्वल टू जो भी है GI e^-βEI या अपॉन में जो भी है 1-, ये सारा तो ये पता रहे, या एक्सपोनेंशियल टर्म में आता है कुछ में, तो वो टर्म्स को याद रखिए। और उसके बाद एनर्जी वाला टर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे वो, उसके बाद लास्ट में ये चीज़ आप दिखा सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड कैसे होगा, उनका कर्व जो भी था स्पीड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चाहे वो वेलोसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछेगा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। तो ये 20 से 25 क्वेश्चन हैं जो लगभग स्टैटिस्टिकल को कवर कर लेंगे। आपका पहली यूनिट से रिलेटिविटी था, नेक्स्ट में अब जाओगे तो मैक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, कॉन्स्टेंट, एसेसिबल इनएसेसिबल स्टेट्स, बहुत है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से इसमें आ सकते हैं। और उसके बाद अगर आप फोर्थ यूनिट की बात करो तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन, एंड देन तीनों स्टैटिस्टिक्स का कंपेयर। फर्मी डिराक में अगर हम जाएंगे तो फर्मी डिराक में फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उनका फर्मी एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन, और फर्मी एनर्जी पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो डायरेक्ट फार्मूले पे हैं। EF का मान जब आप डिराइव करोगे
तो इसी ई एफ वाले फार्मूले पे एच स्क्वायर अपॉन टू एम, ये काफ़ी बड़ा फार्मूला है, तो उस फार्मूले पे निकालेंगे तो वो सिर्फ फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एक आध क्वेश्चन किए रहेंगे तो वहाँ अटेम्प्ट कर पाएंगे, हालांकि ये काफ़ी लेंदी होता है, पावर यहाँ 2/3 वगैरह है, तो ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत कम ही है। खैर, एक आध क्वेश्चन देखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना पोर्शन आप कर सकते हो स्टैटिस्टिकल के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे पेपर की तरफ, जो आपका सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर का पेपर है। तो सॉलिड के लिए अगर हम स्टार्ट करें तो शुरू से कर सकते हैं, जैसे डिफाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिफाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यूनिट सेल, स्पेस लैटिस, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करके डिफाइन करने को आ सकता है। यूनिट सेल उसमें शामिल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूबिक लैटिस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूबिक लैटिस, तो ये दो तीन क्वेश्चन एक साथ जुड़ सकते हैं, स्पेस लैटिस और आपका क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन सबको एक साथ। और एक ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द बेसिस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द बेसिस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बेसिस और उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टल का। नेक्स्ट, कैलकुलेट द फर्मी एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो दोनों में था, इसमें भी है उसमें भी है, तो कैलकुलेट द फर्मी एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एंड द नेक्स्ट इज कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसी से रिलेटेड है फॉर्मूला, ई एफ ये है और ई नॉट ये है, तो इसको तो एकदम लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपका क्रिस्टल में कुछ चीज़ों का रेडियस वगैरह पूछा जा सकता है, जैसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर 100, तो आपको फॉर्मूला उसका पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, बहुत सारा डिटेल में नहीं पूछेगा कि आप उसकी सारी चीज़ों को फाइंड करिए, लेकिन कॉमन सा डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, आप उसके कुछ चीज़ों को बता सकते हो, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कितने रेडियस है उसका, और सारी चीज़ें, ये सब पैकिंग फैक्टर वगैरह। तो नेक्स्ट है आपको कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ BCC क्रिस्टल, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ BCC क्रिस्टल, अब ये FCC के लिए भी आ सकता है, SC के लिए भी आ सकता है, तो कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ BCC क्रिस्टल, तो इसमें BCC काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है बाकी दोनों से, सिंपल क्यूबिक या FCC वाले से, तो ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द सिमेट्री ऑपरेशन, एक्सप्लेन सिमेट्री ऑपरेशन, तो सिमेट्री ऑपरेशन में आपने चार ऑपरेशन पढ़े हैं, तो उसका डेफिनेशन और उन चारों के बारे में, या हो सकता है सिर्फ उनका टाइप्स पूछे जाए, तो सिमेट्री ऑपरेशन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन टू डायमेंशनल लैटिस, अब टू डायमेंशनल लैटिस और थ्री डायमेंशनल लैटिस दोनों ही पढ़े हैं, थ्री डायमेंशनल में ब्रेवियस लैटिस का था पूरा, और टू डायमेंशनल लैटिस भी पढ़े हैं, तो डिस्कस द शॉर्ट नोट, या डिस्कस द शॉर्ट नोट्स, ठीक है, या राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन टू डायमेंशनल लैटिस, ऑन टू डायमेंशनल लैटिस, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटरप्लेनर स्पेसिंग, जिस पे ये क्वेश्चन आएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ लैटिस प्लेन, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और नेक्स्ट अगर अगले यूनिट की बात करें तो व्हाट इज़ हॉल कोफिशियंट, जो सेकेंड यूनिट में था, सेकेंड यूनिट में सॉलिड स्टेट में, व्हाट इज़ हॉल कोफिशियंट, व्हाट इज़ ब्लॉक थ्योरम, व्हाट इज़ ब्लॉक थ्योरम, जो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, और ब्लॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, जो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में मिलेगा आपको, सेकेंड यूनिट में था, थर्ड ईयर में। नेक्स्ट कर सकते हो राइट द सेलियंट फीचर ऑफ, राइट द सेलियंट फीचर या मेन फीचर, राइट डाउन द सेलियंट फीचर या मेन फीचर, SALIENT, तो क्वेश्चंस को लिखते रहिए, सेलियंट डाउन या सेलियंट फीचर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन कर्व ऑफ डाई एटॉमिक,
लैटिस, डिस्पर्शन कर्व ऑफ डाई एटॉमिक लैटिस। सो डिस्पर्शन कर्व ऑफ डाई एटॉमिक या मोनो एटॉमिक, दोनों में ही था ये, डाई एटॉमिक लैटिस या मोनो एटॉमिक लैटिस किसी के लिए भी आ सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहिए। बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ और डिस्पर्शन कर्व यानी जो ओमेगा का रिलेशन था बस वहीं तक, आपको बहुत ज़्यादा एकॉस्टिकल या वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओमेगा का रिलेशन, वहीं से आपको डिस्पर्शन कर्व भी मिल जाएगा जो ओमेगा के लिए रिलेशन आया था, डिस्पर्शन रिलेशन और उसके ओमेगा के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें, मेडलंग कॉन्स्टेंट। व्हाट इज़ अ मेडलंग कॉन्स्टेंट एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू फॉर वन डायमेंशनल क्रिस्टल तो ये कर सकते हैं। वन डायमेंशनल बहुत बड़ा नहीं है तो ये इसको पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ मेडलंग कॉन्स्टेंट। लेकिन ये है कि ऐसे क्वेश्चंस तब आएंगे जब थोड़ा सा वो हायर लेवल से सोच के बनाएंगे पेपर, अगर वो इजी वे में जाएंगे तो आपका सॉलिड फर्स्ट यूनिट से कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड में उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन डिफ्रैक्शन से आ सकते हैं, जैसे डिराइव ब्रैक्स लॉ फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये बहुत बड़ा नहीं है। तो डिराइव ब्रैक्स लॉ फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन इन क्रिस्टल। व्हाट इज़ लोवेड डिफ्रैक्शन भी आ सकता है, खैर सिर्फ डिफ्रैक्शन पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा डेरिवेशन उसमें नहीं आएगा क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट आ सकता है अगर हम न्यूक्लियर की बात करें, उसमें जो अगला सेक्शन है तो डिफाइन पैकिंग फ्रैक्शन, ये जो छोटे छोटे टर्म हैं वो एक दो नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। डिफाइन न्यूक्लियर फोर्स, राइट द करैक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। और नेक्स्ट हो सकता है व्हाट आर मिरर न्यूक्लियाई। नेक्स्ट लिख सकते हो एक्सप्लेन सैचुरेशन एंड एक्सचेंज फोर्स। ये दोनों टॉपिक आपके थर्ड यूनिट में था, जब आप न्यूक्लियर फोर्स पढ़ रहे होंगे तो वहीं पे ये दोनों टॉपिक था, सैचुरेशन और एक्सचेंज फोर्सेस, ये न्यूक्लियर फोर्सेस का टाइप था। तो क्वेश्चन इस तरह से है, एक्सप्लेन सैचुरेशन एंड एक्सचेंज फोर्स इन न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द न्यूक्लियर फीजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, इस पर आप ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट है राइट द ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूट्रॉन। ये सारे क्वेश्चन यूनिट थर्ड से बन सकते हैं। राइट डाउन द ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूट्रॉन, सिर्फ आपको चार पांच प्रॉपर्टी लिख देनी है, बहुत ज़्यादा कोई डेरिवेशन नहीं करना। नेक्स्ट बन सकता है डिफाइन द मीन लाइफ एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट। तो मीन लाइफ को डिफाइन करिए और उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करिए। नेक्स्ट है कि राइट डाउन द करैक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को जानने के लिए दो मॉडल पढ़ा हुआ है थर्ड ईयर में, इस सिलेबस में था, लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेल मॉडल। तो दोनों के सिर्फ करैक्टरिस्टिक, उनको डिराइव नहीं करना है, पूरा एनर्जी का रिलेशन नहीं लाना है, सिर्फ इसके करैक्टरिस्टिक, ये किस बेसिस पे काम करता है, तो तीन चार पांच पॉस्टुलेट्स उसमें रहे होंगे, उनको कर लेना है, उससे ज़्यादा नहीं, एक पेज से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मैजिक नंबर एंड राइट डाउन देयर सिग्निफिकेंस टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियस। तो उसका महत्व क्या है न्यूक्लियस को समझने के लिए, तो मैजिक नंबर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना लिक्विड ड्रॉप मॉडल। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। लिक्विड ड्रॉप मॉडल हो चाहे सेल मॉडल हो, उन सभी के लिए लिमिटेशंस भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल या सेल मॉडल, कोई भी, तो लिमिटेशंस को जानिए, मतलब कुल मिला के कंक्लूजन और समरी पे विशेष ध्यान रखिए, छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अभी कमिंग अप है, इसके बाद उसी का नंबर है,
तो उसके लिए भी सही है। तो आप इससे ज़्यादा ना करो तो उसके फोकस करके करो, समरी और कंक्लूजन पे, दोनों एग्ज़ाम के लिए बेहतर रहेगा। तो ये रहा थर्ड यूनिट से। फोर्थ यूनिट में कुछ क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपका अभी थर्ड में भी कुछ है, जैसे अल्फ़ा डीके, अल्फ़ा बीटा और गामा डीके से था। तो व्हाट डू यू मीन बाई अल्फ़ा डीके, व्हाट डू यू मीन बाई अल्फ़ा डीके और बीटा डीके या गामा डीके, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बीटा डीके, इस तरह से भी हो सकता है। उसके बाद आपका लास्ट यूनिट में जो था एलिमेंट्री पार्टिकल, विशेष एलिमेंट्री पार्टिकल, एक्सप्लेन द एलिमेंट्री पार्टिकल और उनके टाइप्स, लेप्टॉन, क्वार्क और बेरियॉन्स, मेसॉन्स वगैरह के बीच डिफरेंस आ सकता है। तो इस तरीके से लगभग, और मास डिफेक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें, मास डिफेक्ट, तो उसको कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के मिला जुला क्वेश्चंस था तीसरी और चौथे यूनिट से, न्यूक्लियर से। तो जहाँ तक न्यूक्लियर का सवाल है, आपको बेसिक प्रॉपर्टी याद रखनी है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस, जो फर्स्ट सेक्शन था इसका थर्ड यूनिट का। उसके बाद सेचुरेशन और एक्सचेंज फोर्सेस, उसके बाद मॉडल्स में दो, लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेल मॉडल, अल्फा बीटा गामा का डीके, मीन लाइफ, एवरेज लाइफ, सिंपल सिंपल डिफाइन, सिर्फ उनका डेरिवेशन नहीं देखना है, और न्यूक्लियर फीजन फ्यूजन और एलिमेंट्री पार्टिकल डिटेक्टर, और इन उनको छोड़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको स्किप कर सकते हैं। डिटेक्टर जित बहुत सारे डिटेक्टर और वो काउंटर पढ़ने थे, तो इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे यहाँ, तो आप डिटेक्टर वाला सेक्शन को छोड़ सकते हो। न्यूक्लियर फोर्स का जो फोर्थ यूनिट है उसमें फर्स्ट पार्ट कर सकते हो, जो न्यूक्लियर फीजन वाला है, रिएक्टर वाला पोर्शन, और उसके बाद फिर लास्ट वाला एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। तो इस तरीके से लगभग सेकेंड पेपर भी आपका कम्प्लीट हो रहा है, तो क्वेश्चंस पे आप ध्यान दे सकते हो। क्रिस्टल लैटिस से जब हम शुरू करेंगे, तो लैटिस उनका मिलर इंडिसेस देखिए छूट रहा है, मिलर इंडिसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रेसिप्रोकल लैटिस फैक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस फैक्टर्स पे हमने क्वेश्चन बताना भूल गए, तो रेसिप्रोकल से भी लिख लीजिए। हाउ वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल इज रेसिप्रोकल, हाउ वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल एंड डायरेक्ट लैटिस, लैटिस आर डायरेक्ट क्रिस्टल लैटिस आर रिलेटेड। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द कनेक्शन या व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट लैटिस एंड रेसिप्रोकल लैटिस। तो पहले तो डिफाइन करिए व्हाट आर द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स, और फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट लैटिस एंड रेसिप्रोकल लैटिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है। दो चीज़ें हम मिस कर रहे थे, रेसिप्रोकल लैटिस और मिलर इंडिसेस, रेसिप्रोकल लैटिस और मिलर इंडिसेस, मिलर एंडिसिस। ये करीब करीब 25 से 30 क्वेश्चंस बन रहे हैं एक से, उसको देखे रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तो इस तरह से कर सकते हैं। उसी तरह से हम आते हैं थर्ड में, थर्ड पेपर में, थर्ड में अगर स्टार्ट करेंगे तो जो आपका पीएन जंक्शन वगैरह है स्टार्टिंग का, वो भी थर्ड ईयर के सिलेबस में था, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अगर छोटे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द सेमी कंडक्टर और कितने टाइप के वो हो सकते हैं, जैसे व्हाट आर द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इनको भी आप छोड़ नहीं सकते हो एकदम से। नेक्स्ट जो एक अच्छा क्वेश्चन है, वेयर डज द फर्मी लेवल इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइव, तो फर्मी का लेवल कहाँ पे होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वेयर डज द फर्मी लेवल इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहाँ पे होता है, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज एवलेंसी ब्रेकडाउन अकर इन ए पीएन जंक्शन, व्हेन डज मतलब कब होता है, व्हेन डज द एवलेंसी ब्रेकडाउन अकर इन ए पीएन जंक्शन, व्हेन डज द एवलेंसी ब्रेकडाउन अकर इन ए पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन में एवलेंसी ब्रेकडाउन कब होता है। फिर हो सकता है कि पूछा जा सके व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, ये आसान क्वेश्चंस हैं लेकिन याद रखना ज़रूरी है, कहीं ऐसे ही बन गया पेपर, अगर आसान मोड में बना तो ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस से क्या समझते हो पीएन जंक्शन में। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन जेनर एंड एवलेंसी मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन, डिफरेंशिएट बिटवीन जेनर एंड एवलेंसी मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टनल डायोड, बहुत बड़ा नहीं है ये, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टनल डायोड, ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, गिव द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, गिव द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर,
तो पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में भी, प्रैक्टिकल वगैरह में भी, कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है सेमीकंडक्टर पे। हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है, तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमें ध्यान में रखना है। वाई सिलिकॉन इज़ प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम, वाई सिलिकॉन इज़ प्रेफर्ड, क्यों प्रेफर किया जाता है सिलिकॉन को, वाई सिलिकॉन इज़ प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो उनके निर्माण में क्यों ज़्यादा महत्व दिया जाता है सिलिकॉन को। तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, अगर कहीं प्रॉब्लम आएगा तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस को नहीं कराया जा सकता, तो वो आप बताएंगे जिसमें प्रॉब्लम होगा वो किया जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ LED, LED भी था सिलेबस में, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ LED ये कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लीशन लेयर, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लीशन लेयर, जो फ्रंचे लाइन में आप बता सकते हो डिप्लीशन लेयर। नेक्स्ट हो सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन फोटो डायोड एंड फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर, तो डिफरेंशिएट बिटवीन द फोटो डायोड एंड फोटो ट्रांजिस्टर। सारे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहेंगे, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, लेवल में हो या लेवल के ऊपर हो, क्योंकि कौन क्वेश्चन बनाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, किस माइंडसेट से पेपर बनता है, वो आपको कहाँ से जज करना चाह रहे हैं, मेहरबानी से जज कर रहे हैं या फिर अच्छे से करना चाह रहे हैं, तो दोनों चीज़ पे ध्यान रखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, शॉर्ट नोट ऑन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, तो आपको 30 क्वेश्चन लगभग हम दे रहे हैं लगभग हर पेपर से, उसमें से केवल 7-8 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे मैक्सिमम, तो उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 7 ही क्वेश्चन तो कोई बता नहीं सकता, तो रेंज तो रहेगा ही, तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ही बनेंगे एक पेपर से, उससे ज़्यादा नहीं बनने वाला है भी, छोटा बड़ा सब मिला के। एक और क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन थर्मिस्टर, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन थर्मिस्टर, तो कुछ यूनिक चीज़ों पे भी माइंड रखिएगा, ऐसा ना हो कि सब कॉमन चीज़ें पढ़ लें और थोड़ा सा साइड से पेपर आए तो दिक्कत हो जाए। नेक्स्ट है व्हाट आर हाइब्रिड पैरामीटर, अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो व्हाट आर हाइब्रिड पैरामीटर, व्हाट आर द फीडबैक्स, व्हाट आर फीडबैक एंड देयर टाइप्स, तो दो तरीके के फीडबैक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो किसी एक को डिस्कस करने को आ सकता है, वो बहुत बड़ा नहीं जाएगा, तो पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से क्या समझते हैं, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट लिख सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर, एंड डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन, एंड डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन, वेरियस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शंस, तो एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शंस कितने टाइप के हो सकते हैं और क्या होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, फोर्थ यूनिट की अगर बात करें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो फेट और मॉसफेट ये दोनों ही हैं कॉमन, दोनों में डिफरेंस इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेट एंड मॉसफेट, और कौन ज़्यादा अच्छा है, एडवांटेजेस क्या है मॉसफेट के ओवर जेफेट, ये चीज़ें। नेक्स्ट पिंच ऑफ वोल्टेज, व्हाट डू यू मीन बाई पिंच ऑफ वोल्टेज इन केस ऑफ जेफेट, इन केस ऑफ जेफेट, तो व्हाट इज़ मीन बाई पिंच ऑफ वोल्टेज इन केस जेफेट, अब पूरा डेरिवेशन तो आ नहीं सकता, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बीच में टर्म से पूछे जाएंगे, उसमें जो जो टर्म आते थे, जैसे पिंच ऑफ वोल्टेज। वाई SCR नोन एज रेक्टिफायर, वाई SCR टर्म्ड एज रेक्टिफायर, क्यों हम SCR को रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं यह बोला जाता है। नेक्स्ट कंपेयर कर सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंपेयर बिटवीन BJT एंड FET, तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या डिफरेंस है, तो कंपेयर बिटवीन बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड FET, तो इसको ना छोड़िए बिल्कुल भी, BJT और FET में डिफरेंस, हमें बड़ा डेरिवेशन नहीं करना है,
तो छोटी चीज़ों को क्यों छोड़ेंगे, लगभग हर चीज़ को कवर रखिए। BZT एंड FET में डिफरेंस क्या है, छोटे मोटे क्वेश्चंस कराए गए थे जो पिंच ऑफ वोल्टेज पे कराए गए होंगे, वो आप कर सकते हो। पिंच ऑफ वोल्टेज और आपका कुछ और डिटेल्स, जैसे उसमें VGS का मान दिया हो, IDSS ड्रेन सेचुरेशन सोर्स करंट, ये वैल्यू पता हो आपके पास, प्लेट वोल्टेज की वैल्यू पता हो, तो अदर चीज़ें निकाल सकते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन आता था ये, वो कर सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन MOSFET, इस तरह से भी आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट। इसके बाद है राइट शॉर्ट नोट ऑन इन्वर्टर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इन्वर्टर। तो जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पहले, FET या JFET के पूरे डेरिवेशन, वो अब साइड हो रहे हैं। हाँ, उनमें करेक्टरिस्टिक जो था वो आप इम्पोर्टेंट रख सकते हो, जैसे μGM और उसमें एक और रिलेशन था, उसका तीनों में रिलेशन जो कंडक्टेंस वगैरह है, तो μRP और GM, प्लेट रेजिस्टेंस और म्यूचुअल कंडक्टेंस और आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर था, तो उन तीनों में रिलेशन μRP और GM, μRP और GM ये सारा, तो इनके बीच का रिलेशन अलग अलग डिफाइन करने को भी आ सकता है। तो इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ फोटो ट्रांजिस्टर एंड गिव द एप्लीकेशन एज ए हाई सेंसिटिव स्विच। तो इस तरह से भी हो सकता है, हाई सेंसिटिव स्विच की तरह उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ पावर सप्लाई और फिर उसका केवल ब्लॉक डायग्राम वगैरह, बहुत ज़्यादा नहीं। तो पावर सप्लाई क्या है, एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए रेगुलेटेड पावर सप्लाई विथ सूटेबल सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम याद रखेंगे अगर पावर सप्लाई आता है तो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ अ लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, लेकिन शायद ये हट गया था सिलेबस से, IC शायद नहीं है, तो IC को छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लगभग तीनों पेपर्स में 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, और लगभग हमने सिलेबस को पूरा पकड़ने की कोशिश की है, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है यहाँ से। सिर्फ आपको ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को तैयार कर लेने हैं, उनको लिख के, और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग आपको आइडिया है कि हर यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, तो एक दो क्वेश्चन लॉन्ग से पूछा जा सकता है लंबे नंबर्स में, तो उनको यूनिट वाइज देख सकते हैं, जो लगे कि 10-15 मिनट में हो सकता है उस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें रिलेटिविटी में, तो आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन ये भी हो सकता है, और आपका माइकलसन तो आने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपका नेगेटिव रिजल्ट, एक्सप्लेन द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, इसको आप इम्पॉर्टेंट में रख सकते हो कि एक्सप्लेन द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लॉन्ग का बहुत कम चांसेस है किसी भी यूनिट से, तो इक्का दुक्का शायद कहीं से आ जाए, किसी का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ दे, तो उसके लिए थोड़ा सा आप देखे रहिएगा। मेन फोकस आपको शॉर्ट्स पे ही रखना है, लॉन्ग तो आपको पता है, वो किए हो पहले से ही, वो तो आपका आइडिया ही रहा है पहले से ही कि हमें पेपर उसी तरह से देना है। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहे, बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को लिखे होंगे, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।